जी अस्सलाम वालेकुम सर। फारूक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी सर अस्सलाम वालेकुम सर। ये दूसरी लाइन पे एक साहब है, इनके को रिश्तेदार बाहर से बेरूनी मुल्क से आए थे दिल्ली को। जी सर। तो वहाँ पे कई दिन का क्वारंटाइन के बाद अब उनको परमिशन मिला, उन्होंने दिल्ली से गाड़ी में एक वैन में आए, आदिलाबाद बॉर्डर पे रोक दिए उनको। जी सर। इनके पास परमिशन है, सब है, तो आप जरा कुछ कलेक्टर को बोल के करवा सकते हैं। मैं बात कर दो सब अभी उनको, उनको मेरा नंबर, उनको मेरा नंबर अगर उनके पास है तो सब मैं बात कर लेता हूँ। जी जनाब नंबर नोट कर लेता हूँ। जी आपका नंबर, आपका नंबर बोलिए फारूक साहब को आप। 810 जी 810 639 8519 8519 जी। अच्छी बात है। आपका नाम भाई? उमर, उमर है मेरा नाम। उमर। और वो जो जो लोग गाड़ी में रोक दिए आदिलाबाद बॉर्डर पे, उनका नंबर है आपका ने? जी हाँ, जी हाँ है सर। मैं असल वो नंबर लिखो, अब आपके नंबर की जरूरत नहीं है, उनसे फारूक साहब बात करेंगे। जी 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 साहब आपको नंबर दे रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल दीजिए। 9700 539 862 उनका नाम क्या है भाई? सईद है उनका नाम। सईद। फारूक साहब पहले उनसे बात कर लो, आप जो गाड़ी में रोके ना उनसे। जी अच्छा सर। क्योंकि अगर दिल्ली से आदिलाबाद तक आए तो कोई भी हिमाकत नहीं कर सकता, परमिशन होगा उनके पास। जी जी सर। किस ट्रेन के पास से मिला था उनको? एनओसी? नहीं नहीं सर, मैं जी आप एनओसी कौन दिए थे उनको? दिल्ली में मजिस्ट्रेट दिए थे, तेलंगाना भवन वाले दिलाए थे हम लोग को लेके जाके।